मेरी सोच ये है जब तक मैं हूँ कोई बंदा उदास ना रहे, ठीक है, जिस भी बुजुर्ग व्यक्ति को देखूँ मैं उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान लाऊं, ठीक है, ये मेरी कोशिश रहती है बाबा। ठीक है बेटा, हमारा भी आशीर्वाद है आपका, आप मन में कर रहे हो ना काम बेटा, वो पूरा आशीर्वाद होएगा आपका। नमस्ते बाबा, क्या बेचते हो आप? अगरबत्ती बेचते हो? क्या पैसे की है? कितने पैसे की बाबा? 60 रुपए की 3 है। 60 रुपए की 3 और भी अगरबत्ती आपके पास कितनी होंगी? बाबा उम्र कितनी है आपकी? 50 साल के हो और सोते कहाँ पर? रोड पे सोते हो? नाम क्या आपका? अच्छा, बच्चे बच्चे नहीं है? तो साथ नहीं देते बच्चे? कोई साथ नहीं देता बेटा, आज कोई कोई का साथ कोई नहीं देता बेटा। ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं माँ बाप को? माँ बाप को भूलते बेटा, देखो ये मेरे से नहीं बेटा, सबसे हो रहा है बेटा, सबके साथ हो रहा है। बाबा रोज के कितने पैसे कमा लेते हो आप? कितना? 100 रुपए कमा, 200 रुपए कितना कमा लेते हो? 100-125 रुपए। सामान कहाँ से लाते हो आप? दिल्ली से लेते बेटा। अच्छा, ये कितने का पड़ता है आपको बेटा? 18 रुपए। और बेचते कितने का? 18 वाला 20 रुपए। 2 रुपए कमाते हो? हाँ। और सोते फुटपाथ पे हो? टोटल कितनी अगरबत्ती आपके पास? टोटल कितने पीस है बाबा? 17 पीस। 17 पीस है तो टोटल कितने पैसे हो गए बेटा? 120 रुपए का। 3? ये बाबा आपके हो गए 340 रुपए, 350 रुपए हो गए। तो इसको मैं अगर सारा खरीद लूं तो आज का दिन आपका बढ़िया निकल जाएगा। उसके बाद फिर आप कहाँ जाओगे? सारा सामान बिक जाएगा एक साथ तो? अच्छा, फिर और सामान लेकर आओगे? नहीं बेटा, सुबह आओगे, मतलब दिन आपका अच्छा निकल जाएगा। चलो, कभी एक साथ ऐसा सामान किसी ने खरीदा बाबा? नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं। बाबा रहने वाले कहाँ के हो आप? राजस्थान। राजस्थान के? राजस्थान में कहाँ के? सवाई माधोपुर से। माधोपुर? अच्छा, यहाँ कितने टाइम से वाला काम कर रहे हो आप बेटा? 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो इससे पहले यही करते हैं, ये बेचते आ रहे हो? चलो बाबा मैं आपका सामान तो खरीद लेता हूँ, ये भी हाथ में पकड़ लो, इस पे लिखा हुआ है, पढ़ना आता आपको बाबा? नहीं बेटा, पढ़ना थोड़ा ट्राई कोशिश करो। इस पे लिखा बाबा, मैं भीख नहीं मांगता, मैं मेहनत करके कमाता हूँ, तो इसको हमेशा आता हाथ में रखना आप। जब भी रेड लाइट पे कोई सामान बेचने जाओगे, कोई गाड़ी वाला पड़ेगा तो उसकी आंखें नम हो जाएंगी कि ये बाबा मेहनत करके कमाते हैं, भीख नहीं मांगते। इसको हमेशा हाथ में रखना बाबा, इसको पकड़ लो एक बार आप। और ये सारा सामान ना मैं आपसे खरीद लेता हूँ, कितने? 350 रुपये हो गए ना? 17 पैकेट है ना ये, और 20 रुपये का बेचते हो आप, तो 340 रुपये हो गए ये। एक बार गिन लो फिर भी आप। और ये अच्छा मैसेज भी जाएगा, बाकी जो लोग भीख मांग रहे होंगे ना आपके आसपास, पढ़ेंगे तो आप देखते हो बच्चे छोटे छोटे भीख मांग रहे होते हैं तो गंदी आदत है बाबा, ये कितना गलत मानते हो इस चीज को आप। भीख कभी नहीं मांगनी चाहिए बाबा। वो तो है कि बेटा देखो, आपसे राजी से, राजी का सौदा है बेटा, ले तो ले। मेहनत करके कमाओगे तो भगवान देखेगा भाई इंसान मेहनत करके कमा रहा है, इसको अच्छी रोटी दी जाए। भीख मांगने वाला सिस्टम गलत है, गलत प्रभाव पड़ता है, और जिंदगी भर बच्चा भीख ही मांगता है, मेहनत नहीं करता, उसका फिर मन नहीं करता मेहनत करने का। वो कहता है मेरे को बैठे बैठे मिल जाता है और क्या चाहिए, उसका शरीर भी खराब हो जाता है ऐसे ही, फिर वो गलत चीज आगे दूसरे बच्चे सीखते हैं वो करने लग जाते हैं। लो बाबा ये बाबा 500 रुपये हैं, मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा आपके लिए, और ये मेरे को सामान नहीं चाहिए था, ये आप पैसे रखो, सामान भी रखो और सामान बेचो, मेहनत करो बाबा, सामान मेरा आपका सामान बिल्कुल नहीं चाहिए। बस मैं ये मैसेज देने जाता हूँ सब लोगों को जो बुजुर्ग लोग हैं कि भीख मत मांगना कभी भी। बेचने का आइटम है बेटा ये तुम्हारा, बेचो सामान
लाओ बेचो, सामान लाओ बेचो, भीख नहीं मांगनी बाबा, भीख नहीं मांगनी। जो बच्चा आपको कभी दिखे ना रेडलेट पे, उसको जरूर समझाना आप, ये वादा करो मेरे से आप कि बेटा भीख मत मांग, सामान बेच ले या पढ़ाई कर ले। लो बाबा, आपकी खुशी की, आपकी खुशी के लिए बस मेरे को एक पैकेट दे दो, जिससे कि मेरे को याद रहे कि मेरे बाबा से मैंने। नहीं नहीं बाबा, एक ही चीज दिल ले लो बेटा। नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटा, हमारे कैसे दिल लो। मेरी बात मानो, मैंने आपका दिल रखने के लिए एक लिया है। नहीं बेटा, हमारे भी आशीर्वाद लो ना कुछ। बाबा नहीं नहीं, एक बहुत है, नहीं बहुत है, समझा करो बाबा। अरे बाबा, हम भी समझ रहे हैं बेटा, देखो आपने 500 रुपए दे दो बाबा, क्या बात कर दिया बेटा। मैं तो बाबा हमेशा यही मेरी सोच ये है, जब तक मैं हूँ तब कोई बंदा उदास ना रहे, ठीक है। जिस बुजुर्ग व्यक्ति को देखूं मैं, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान लाऊं, ठीक है, ये मेरी कोशिश रहती है बाबा। ठीक है बेटा, हमारा भी आशीर्वाद है आपका, आप मन में कर रहे हो ना काम बेटा, वो पूरा आशीर्वाद होएगा आपका काम। तो मैं तीन नहीं क्या करूंगा, एक मैं आपकी खुशी के लिए ले रहा हूँ, लो आप बेचोगे आपको फायदा मिलेगा, ठीक। एक दे दो आप, अब कुछ खाना खाओगे तो बताओ। मैं कभी भी यहाँ से निकलूंगा ना, पक्का आपसे मिलता जाऊंगा। खाना क्या खाया था आपने बेटा? थोड़ा इधर भंडारा भरा था, कूलिंग मिल गया था खाने में। अच्छा 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 अच्छा, खाने में बेटा। आज शिवरात्रि है तो कभी भी हार मत मानना जिंदगी से, भगवान ने जितना दिया उतना मैं खुश रहना बाबा, ठीक है, मुस्कुराते रहना हमेशा, परेशान कभी मत होना। अभी आपने बोला ना बच्चे ने साथ नहीं दिया, तो भगवान तो साथ में आपके, भगवान साथ देता है हमारे, ऐसे बच्चे साथ में आपके। वो शादी कर दे बेटा, शादी करके मत वाले बीवी को ले जा, शादी कर दी, छोड़ गया, छोड़ गया, कैसा बच्चा भगवान ने पैदा किया देखो बेटा। हमने शादी कराई, पैसा लगाया और शादी करते ही आपको अब बेटा कर्ज और हो गया है ना, मेरे पास कर्ज और हो गया, कर्ज से पैसे लेके आपसे तो मैंने शादी किया, कर्जा करके आपने शादी कराई थी बच्चे की शादी किया, अब बीवी को लेके बचे, अब क्या करे बेटा। एक ही बेटा था, तीन बेटे थे, तीनों ऐसे निकम्मे निकले, अभी एक ही निकला बेटा, अभी तक दो तो है ना, दो तो मेरे पास, दोनों प्यार करते है ना बाबा, अभी तो प्यार है। तो फोन वोन आता है बच्चों का आपके पास? चलो ठीक है बाबा, ध्यान रखना, खुश रहना हमेशा, और जो भी बच्चा कभी रेडलाइट पे मिले आपको, उसको मना करना बेटा भीख मत मांग, डांट मारना उसको, उसको बोल बेटा मेरी तरह सामान बेच ले, उसको एक बात और बोलना कि बोलो मैं इस उम्र में काम कर रहा हूँ, 70 साल की उम्र में, तो तू क्यों बेटा इतनी कम उम्र में ये काम कर रहा है, ये जरूर बोलना, और इसको हमेशा आगे की तरफ ना बाबा ऐसे करके, ठीक है बाबा, अब सामान बेचो, जाओ, बाय बाय।